अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल्ला अफरीदी फ्रॉम अफरीदी कॉर्पोरेशन। और आज की वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ CZ-75P07, जिसको CZ-75 ड्यूटी भी कहते हैं। आज की वीडियो में आप लोगों को इसकी कंप्लीट फंक्शन और मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल की आइकन को जरूर दबाइए। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है एज यूजुअल कि प्लीज आप असली को गन्स को जस्ट अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करें और हवाई फायरिंग से इज्तनाब करें, क्योंकि हवाई फायरिंग किसी की जान ले सकती है। और जो ना जवान है ना समझ लोग है, वो असले का बिल्कुल भी शौक ना रखे, क्योंकि आपके लिए भी अच्छा है और हमारी सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। आप इसका शौक जो है वो बाद में भी कर सकते हैं, अभी जो है आपको सिर्फ पढ़ना है और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। और पेरेंट्स से खास तौर पर रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप असले को जो है सेफ रखें। बच्चे ना समझ होते तो खुदा ना करे कि कहीं वो उठाले और खुद को कुछ नुकसान पहुंचाए, तो उससे बेहतर है कि आप जो है इसको सेफ रखें। शुक्रिया, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल्फ सेफ्टी के लिए आप लोग जब भी कोई पिस्टल या कोई राइफल उठाए तो जरूर एक बार इसको चेक किया करें, ठीक है। सबसे पहले इससे मैगजीन निकाला करें, मैगजीन निकालने के बाद जो है स्लाइड को पीछे कर दिया करें और बैरल में एक नजर डाल दिया करें ताकि इसमें कोई बुलेट ना हो, ठीक है। फिर साइड पे करके इसको ट्रिगर दबाए, अगर कोई राउंड हो तो वो भी जो है साइड पे फायर करे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं आप लोगों को इसकी हिस्ट्री बता दूं CZ-75 की। CZ-75P07 जो कि चेकोस्लोवाकिया की बनाई पिस्टल है, जो कि 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था, लॉन्च किया था मार्केट में। ये जो है CZ-75 की एक लेटेस्ट मॉडल है। इसमें मॉडिफिकेशन करके इसको जो है P07 का नाम दिया गया है, P07 ड्यूटी का नाम दिया गया है। ये एक सीमी ऑटोमेटिक नैनो कैलिबर की पिस्टल है और ये भी सिंगल और डबल एक्शन पिस्टल है। यूजुअली जो है मैं सिंगल और डबल एक्शन के बारे में हर वीडियो में बता देता हूँ, लेकिन जिन दोस्तों को फिर भी नहीं पता तो उनको मैं बताता चलूँ कि जो आपका पहला राउंड होता है वो डबल एक्शन होता है, ठीक। ये ट्रिगर जो है आप कंप्लीट तरह से आगे से दबाएंगे, देख लेगा, बाकी जितनी भी राउंड है उसमें ये ट्रिगर जो है बॉडी के करीब आ जाता है। वाल्टर दबाएंगे तो ये जो है आपके जितनी भी राउंड बाकी होंगे ये सिंगल एक्शन में होंगे। अब हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये सिंगल एक्शन होता है, लेकिन इसका जो डबल एक्शन है वो भी काफी स्मूथ है, वो भी काफी ज्यादा परफेक्ट है, ठीक है। अगर इसकी डिजाइन और लुक की बात की जाए तो इसकी डिजाइन जो है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है, काफी ज्यादा खूबसूरत लुक है। इसकी ग्रिप पे जो है कंप्यूटराइज CNC मशीन से इंग्रेविंग हुई है, फिंगर रिलीफ के लिए भी दोनों साइड पे इंग्रेविंग हुई है, ताकि आप जब शूटिंग रेंज पे फायर करते हैं और आप फिंगर प्लेस करते हैं रिलीफ के लिए तो आप जो आपका जो फिंगर है वो रिलैक्स फील हो। इसका जो हैंड ग्रिप है वो भी काफी ज्यादा परफेक्ट फील होता है, ठीक है। ये काफी ज्यादा एक खूबसूरत पिस्टल है। इसकी जो बॉडी है वो पॉलीमर से बनी हुई है, ऊपर जो स्लाइड और बैरल है इसकी ट्रिगर जो है वो भी स्टील से बना हुआ है। यहाँ पे आप लेजर या लाइट भी माउंट कर सकते हैं, उसके लिए भी जगह बनी हुई है। इसकी जो ट्रिगर है वो भी एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है ग्लॉक पिस्टल्स की तरह, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा एक खूबसूरत पिस्टल है। ये एक क्लोन कॉपी है, लेकिन आप इसको जब रिजल्ट के बराबर रखेंगे तो इसमें आप फर्क नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग है इसमें और रिजल्ट में आप इसको डिफ्रिशिएट नहीं कर सकेंगे कि ये रिजल्ट है या कॉपी है, क्योंकि इसका जो साइज है, जो लेंथ है, जो मटेरियल हमने यूज किया है वो बिल्कुल मेक श्योर किया कि वो बिल्कुल रिजल्ट के बराबर हो। इस पिस्टल का जो लेंथ है अभी वो है 7.2 इंच, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 7.2 इंच। इसकी बैरल की लेंथ है 3.75 इंच। इसकी चौड़ाई जो है इस पिस्टोल की वो है 1.46 इंच। इस पिस्टोल की कंप्लीट हाइट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 5.3 इंच। इसकी कंप्लीट वेट जो है वो है 790 ग्राम। तो ये काफी ज्यादा एक कॉम्पैक्ट पिस्टोल है, कंसील कैरी के लिए ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, आप इजीली इसको कैरी कर सकते हैं, ठीक है। ये इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इतना ज्यादा स्मॉल भी नहीं है, तो इसकी साइज जो है वो काफी ज्यादा जबरदस्त है। इसकी फंक्शन के बारे में बताते चलूं तो इसकी फंक्शन जो है वो काफी आसान है। इसमें जो है सेफ्टी ऑप्शन भी अवेलेबल है, लेकिन इसकी जो सेफ्टी ऑप्शन है वो कॉक एंड लॉक वाली है। जब तक आप इसको कॉक नहीं करेंगे तो इसकी सेफ्टी फंक्शन काम नहीं करेगा, देख ले आप। अभी इसको कॉक किया हुआ है तो इसका सेफ्टी फंक्शन अभी काम करेगा, देख ले आप, ठीक है।
अभी ये इसका ट्रिगर भी लॉक हुआ है और हैमर भी लॉक हुआ है, लेकिन जब आप इसको नीचे करेंगे तो ये फिर रेडी टू फायर होगा, ठीक है। आप इस पर डायरेक्ट फायर कर सकते हैं फिर, और इस कंडीशन में जो है आप फिर इसको लॉक नहीं कर सकते। तो लॉक करने के लिए आपको सबसे पहले इसको कॉक करना पड़ेगा और फिर लॉक करना पड़ेगा, ठीक है। ये फंक्शन है इसमें, ये इसका चैम्बर लॉक है, यानी जब आपकी मैगजीन में राउंड्स खत्म हो जाए तो ये स्लाइड को पीछे रोक देता है, या इसमें एम्प्टी मैगजीन हो तो तब भी इसको पीछे रोक देता है। तो इसको आगे करने के दो तरीके हैं, बटन को नीचे कर दे और स्लाइड को पकड़े और आहिस्ते से इसको आगे कर दे, ठीक है, ताकि आपको कुछ नुकसान ना पहुंचाए, या इससे जो है मैगजीन निकाले और चेम्बर को पीछे कर दे और आगे कर दे तो ये खुद ब खुद आगे चला जाएगा। ये इसका मैगजीन रिलीज बटन है, और इसकी मैगजीन में भी 15 राउंड आती है, ठीक है। इसके साथ हम आपको दो मैगजीन प्रोवाइड करेंगे 15 शॉट्स वाली। इसकी मटेरियल के बारे में बताता चलूँ तो इसकी जो बॉडी है वो हार्ड पॉलीमर से बनी है, यानी हार्ड प्लास्टिक से बनी हुई है। इसकी अपर स्लैट जो है और छोटे पार्ट जो है वो 10-45 स्टील से बनी हुई है। इसकी बैरल जो है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो हमने बनाई है 41-40 स्टील से। 41-40 स्टील जो है वो काफी एक गारंटी स्टील है, हार्ड स्टील है, और इसको जो है हम फिर हार्ड क्रोम भी करते हैं जिसकी वजह से और भी सख्त होता है, और इसको फिर जंग भी नहीं लगता, डस्ट भी नहीं लगता। लेकिन आप लोग जब भी फायर करें तो फायर करने के बाद अपनी पिस्टोल की जरूर सफाई किया करें, तो बिल्कुल इसको फिर जंग नहीं लगेगा, ये डस्ट से बचेगा, ठीक। ये बिल्कुल एक रिलायबल पिस्टोल है, सेल्फ डिफेंस के लिए अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ कि आप CZ-75 ड्यूटी को जो है सेल्फ डिफेंस के लिए रख सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारी फैक्ट्री से परचेज करनी है तो हमारी फैक्ट्री से आपको बिल्कुल एक गारंटेड पिस्टोल मिलेगा, 1 ईयर वारंटी के साथ हम आपको देंगे। इसकी बैरल की गारंटी जो है वो 5005 गारंटी है, ठीक है। इंशाल्लाह हम आपको कंप्लेन का मौका नहीं देंगे। अगर आप लोगों ने हमारे साथ कांटेक्ट करना है तो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप नंबर नीचे गिवन है, आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स करें। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। निकल गए।